हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HVM Vlogs एंड हिमांशु विशाल और मैं मानव। सो पहले व्लॉग में तो आपने अच्छा रिस्पांस दिया, दूसरा व्लॉग है हमारा, तो दूसरे व्लॉग में हमें दिखाने आए शताब्दी महोत्सव, तभी जा रहे हैं शताब्दी महोत्सव अंदर। स्वामी जी का है, बहुत अच्छा है, मतलब पीछे देख ही लो कितनी पब्लिक है, पब्लिक के हिसाब से तुमको पता चलेगा क्या है। तो अभी तो ये अभी पार्किंग करके हम आए, अभी ये मेन गेट है, अंदर जाके सब आपको दिखाते हैं। चलो रेरा गेट, यहाँ से एंट्री है, अभी हम जा रहे हैं अंदर। हाँ। एंट्री ले ली, अब अंदर जा रहे हैं तीनों। तो आपको भी घुमाते हैं, चलो। जैसे जैसे चलते जा रहे ऐसे ऐसे कुछ नया ही देखने मिल रहा है। देखो पहले कार, अभी कार देखने मिली, आगे कुछ आगे पौधे का ऐसे सजाया हुआ था, अभी अंदर जा रहे हैं। और भी दिखाते हैं, अभी ये स्टैचू के पास जा रहे हैं, स्टैचू वहाँ पे जा रहे हैं। पहले देखी गाड़ी, अब है स्कूटर। देखो मतलब इतनी वो कारीगरी, तो देखो स्कूटर को भी ऐसा सजा के रखा है ना, मतलब अब तो स्टार्टिंग ही हम खाली गेट के अंदर घुसे ही है, और अभी देखो तो आगे 600 एकड़ में ना सब ऐसा ही सब कुछ देखने मिलेगा। अभी तो स्टार्टिंग अच्छी है, स्टार्टिंग अच्छी है, स्टार्टिंग अच्छी है, और बाकी तो मैं देख के ही आपको बता दूँगी, मतलब बहुत मज़ा आएगा। अभी तो समझो ना 1% भी नहीं देखा और उसमें सब दिख रहा है, और ये आगे आगे देखो, दिखाते आगे आगे चाहते हैं ऐसे दिखाते आपको भी। ये चीज देखो आप क्या बनाया है, और इतना बड़ा है, मतलब काम क्या है, ये जो माला एकदम हाथ है ऐसे, और भी है हाथ हैंड्स है, मतलब प्रमुख स्वामी जी के, वो आपको भी दिखाते हैं। एक स्टार्टिंग में ये है, स्टार्टिंग एंट्री गेट से ये है, फिर आगे आगे यूं देखो। तो हमारे सामने प्रमुख स्वामी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा, देखो आपको दिखाते हैं बैक कैमरा करके, पर रियल लाइफ में आओगे तो बड़ी दिखेगी, और हम ट्राई करेंगे कैमरे में भी बड़ी दिख जाए, क्लोज शॉट भी दिखाएंगे, यानी बहुत सुंदर लग रही है इतनी बड़ी, क्योंकि तो सेंटर में यहाँ पे जो सेंटर है ना यहाँ के एरिया का, वहाँ पे सेंटर में बनाई गई है, मतलब आसपास भी दूर से भी इतनी अच्छी लग रही है, तो पास से सोचो कितनी अच्छी लगेगी। अभी आप आपको पास से दिखा दें, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, पता नहीं। जैसा कि देख सकते हो क्लोज व्यू, और ये जो बड़ी प्रतिमा जो सेंटर में है ना, उसके नीचे यहाँ पर छोटी छोटी प्रतिमा भी है प्रमुख स्वामी महाराज की, पूरे गोलाई में, वो अभी आपको दिखाते हैं, वो जरूर देखना, अभी बहुत अच्छी है, सेम ये जो मूर्ति है ऐसी छोटी छोटी नीचे पूरे गोलाई में देखना।
बाल नगरी तो घूम ली है, मतलब 600 एकड़ में ये सब फैला है। हम बहुत चले आज और बहुत कुछ आप देखना दिखाया भी है। पहले हमने सोचा कुछ पेट पूजा कर लें, उसके लिए हम जाने हैं यहाँ पे खाने के, वो भी थोड़ा दूर है तो उसमें भी थोड़ा चलने में तकलीफ हो रही है। यहाँ पे ईमान जो थका हुआ है बता ना क्या हालत कैसी हो रही है, नहीं बता सकता माना, चलते चलते हालत कैसी हो रही है। वैसे एनर्जी है, एनर्जी है ऐसा नहीं है, पर चलना बहुत पड़ेगा, पर मजा आ जाएगी, एनर्जी फुल है, ज्यादा चलना ज्यादा, हाँ ज्यादा चलना ज्यादा है। बाकी आसपास देख रहे हैं नहीं, देखो पब्लिक तो है, मतलब लाख तो गिनी लो मेरा अंदाज से, मेरे को इतनी दिख रही है, पब्लिक तो है, पब्लिक तो है, आप भी आओ मजा आएगी, हमको मजा आ सकती है तो फिर आपको भी आ सकती है, और मोस्ट ऑफ बच्चों को लाओ पीछे बाल नगरी है, मजा आ जाएगी। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे हम अभी क्या खाने वाले वो दिखाते हैं, बने रहे। यहाँ पे सब भी मतलब 20-20 10-10 रुपए में मिल रहे हैं, जो भी खाने का लेना है। देखो ये रहा मेन्यू, कोई चीज सब 20-20 10-10 रुपए में मिल रहा है, तो विशाल हमारा लाइन में लगा है यहाँ पे। तो अभी हम खा रहे हैं भांजी पाव जो 20 रुपए का मिला है, दो लाए विशाल, खा के रिव्यू देता है कैसा। 20 रुपए के हिसाब से तो बहुत अच्छी दी, अब पता नहीं स्वाद का तो अच्छा ही लग रहा है, स्वाद भी अच्छा है। कैसा स्वाद, कैसा बहुत अच्छा, बहुत घर जैसा स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी सकता हूँ कैसा लगता है बोल सकता था। स्वामी नारायण खिचड़ी, मतलब 20 रुपए में आपको और क्या चाहिए, मतलब इतनी स्वाद हो रही है यहाँ की, मेरे को पाव भाजी से भी बेस्ट ही लगी, मतलब बहुत स्वादिष्ट है ये, यहाँ आके ट्राई करना, जरूर करना एक बार। कैसी है, स्वाद अच्छी है, कसम से, कसम से है, तो एक बार टेस्ट जरूर करना। अभी मैं खा लूँ, घूम लिया जितना घूमना था, खा भी लिया पेट भर के, अब जा रहे हैं यहाँ से। तो मैं तो रिकमेंडेड करूंगा कि आप आओ, फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, या किसी को और एक बार विजिट करो, बहुत यानी आनंद आ जाएगा अंदर घूम घूम के, यानी इतने अच्छा देखने की चीजें, लाइट्स हो है बाहर, जो भी बालकों के लिए है छोटे छोटे सब है अंदर, बहुत देखने का है। और प्लस अंदर जो खाना था भाजी पाव और खिचड़ी बहुत अच्छा, एक नंबर बोलते रहो। अभी तो फिलहाल तो देखो, अभी हमने तो घूम लिया, मजा आया, और हम जा रहे हैं अभी पार्किंग, वहां से गाड़ी लेके सीधा घर घर। होप आप लोगों को पसंद आया हो ये व्लॉग, अच्छा ही लगा होगा मेरे ख्याल से। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चलो और सब्सक्राइब भी कर देना, कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था, कि आपको अच्छा लगा अंदर, उसका एक कमेंट करना और सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। बाय, मिलते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।